स्टूडेंट जैसा कि हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं और इस मेड्यूल में हम थ्रेटिकल सैम्पलिंग को देखते हैं थ्रेटिकल सैम्पलिंग जो है ये मोस्ट ऑफ द टाइम इसको जोड़ा जाता है ग्राउंडेड थ्योरी के साथ थ्रेटिकल सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन विच वी कलेक्ट कोड एंड एनालाइज द डेटा इन ऑर्डर टू जनरेट अ थ्योरी एंड इन सोशल साइंसेस पर्टिकुलरली इन द टी फर्स्ट सेंचुरी there is a growing uh, interest in this type of sampling. Uh, the researchers select cases based on new insights that the sample could provide. Uh, हम वैसे तो uh, जब non-random sampling को पढ़ते हैं तो उसमें हम uh, ये देखते हैं कि हम uh, uh, quota sampling हो या अपनी convenient sampling हो या हमारी purposive sampling हो उसमें भी हम एक जजमेंट तो करते हैं रिस्पोंडेंट्स के आ, आ, बारे में और इवन इन डिवेंट के सैम्पलिंग में भी मगर थ्योरेटिकल सैम्पलिंग में जो सिलेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्डेंट है वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है इस सैम्पलिंग में हमारे लिए जो रिस्पोंडेंट है उसके लिए उसकी सिलेक्शन के लिए हम ये एज अ रिसर्चर देखते हैं कि उसके पास रिचफुलनेस ऑफ द डाटा कितनी है यानी जो हमारे रिसर्च क्वेश्चंस हैं उन रिसर्च क्वेश्चंस को वो कितने बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकता है क्योंकि थ्रेटिकल सैम्पलिंग में सैम्पल साइज बहुत छोटा होता है तो इस वजह से हम जब सिलेक्शन करते हैं रिस्पोंडेंट्स की तो उसमें रिचफुलनेस ऑफ द डेटा हमारा की पैरामीटर होता है रिस्पोंडेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए थ्रेटिकल सैम्पलिंग के दो मॉडल्स हैं जिसमें हम जब डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको एनालाइज कैसे करते हैं एक तरफ हमारे पास जो ट्रेडिशनल मॉडल है जिसको क्लासिकल मॉडल भी कहा जाता है जो स्टॉर्स एंड काबिन ने 1998 में दिया था जिसमें पहले जो थ्रेटिकल सैम्पलिंग में जो डाटा आता है उसको ओपन कोड किया जाता है फिर उसकी एक्जेल कोडिंग की जाती है और एक्जेल कोडिंग के बाद सेलेक्टिव कोडिंग की जाती है जिससे थ्योरी जनरेट होती है। अब ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम एक न्यू इसमें मेथोडोलॉजी डेवलप हुई है जो कि शाम इन ने दी है 2006 में इसमें इनिशियल कोडिंग के बाद उसको फोकस किया जाता है फोकस कोडिंग पे और फोकस कोडिंग से ही हम थ्योरी को डेवलप करते हैं थ्रेटिकल सैम्पलिंग के अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो आ, ये मैथड इसलिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है कि इससे जो है रिगर ऑफ द स्टडी बढ़ती है और आ, थ्रेटिकल सैम्पलिंग कैन प्रोवाइड अ सर्टन स्ट्रक्चर डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस प्रोसेस ये जो थ्रेटिकल टाइप सैम्पलिंग की जो ये जो नॉन रैंडम की टाइप है इसमें हम बैक एंड फोर्थ डाटा कलेक्ट करते हैं यानी हम डाटा कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करने के बाद फिर जाके जो है रिस्पोंडेंट से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं तो इस वजह से ये बड़ी यूनिक इन नेचर है और थ्रैटिकल सैम्पलिंग में बहुत इंडक्टिव रीजनिंग भी होती है और डिडक्टिव रीजनिंग भी होती है यानी हम जब इसका डाटा एनालिसिस कर रहे होते हैं तो जर्नल टू स्पेसिफिक भी रिज़ल्ट डिड्यूस करते हैं स्पेसिफिक टू जर्नल भी हम अपने रिजल्ट डिड्यूस करते हैं थ्रेटिकल सैम्पलिंग का क्योंकि इस्तेमाल ग्राउंडेड थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए जो सोशल साइंसेस में Uh, जो तो इसका इस्तेमाल है वो अब बढ़ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम मगर अभी भी लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक